गायत्री माता की जय। वैसे तो गायत्री माता का जाप करने से और गायत्री मंत्र का जाप निरंतर पाठ करते रहने से सुख समृद्धि शांति का वास होता है। फिर भी गायत्री मंत्र के ये 13 गुप्त उपाय हैं जिसे मैं आपको बताती हूँ। पहला, गायत्री मंत्र जपते हुए फूलों का हवन करने से सर्व सुख संपत्ति प्राप्त होती है। दूसरा, शंख पुष्पी के पुष्पों से गायत्री मंत्र का हवन करने से कुष्ठ रोगों का निवारण होता है। तीसरा, आम के पत्तों को गाय के दूध में डुबाकर हवन करने से सभी प्रकार के ज्वर रोग में लाभ होता है। चौथा, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की ग्रह बाधा से रक्षा होती है। पांचवा, बेंत की लकड़ी से गायत्री मंत्र का हवन करने से विद्युतपात राष्ट्र विप्लव की बाधाएं दूर होती है। छठवा, लाल कमल या चमेली के फूल एवं शाली चावल से गायत्री मंत्र का हवन करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। सातवां, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर केवल जल का फूंक लगाने से पर भी भूत बाधा नज़र आदि दोष दूर होता है। आठवां, महान प्राण संकट में नदी के पानी में कंठ तक खड़े होकर नित्य 108 बार गायत्री मंत्र जपने से प्राण रक्षा होती है। नौवा, दुखी होकर अंतर्भाव से मंत्र जाप कर कुशा पर फूंक मारकर शरीर का स्पर्श करने पर सभी प्रकार के रोग एवं भूत भय नष्ट हो जाते हैं। दसवा, बिल्व पत्र फल घी खीर की हवन सामग्री बनाकर बेल के छोटे छोटे टुकड़े कर बिल्व की लकड़ी से हवन करने पर भी लक्ष्मी प्राप्ति होती है। ग्यारह, कुछ दिन नित्य 108 बार गायत्री मंत्र जपने से जिस तरफ मिट्टी का ढेला फेंका जाएगा उस तरफ से शत्रु वायु अग्नि दोष दूर आ जाएगा। 12, गुरुचि के पौधे की छोटे छोटे टुकड़े कर गाय के दूध में डुबाकर नित्य 108 बार गायत्री मंत्र पढ़कर हवन करने से मृत्युयोग का निवारण होता है। 13, ग्रह शांति में शमी वृक्ष की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर गुलर पाकर पीपल और बरगद के साथ गायत्री मंत्र की 108 आहुतियाँ देने से शांति मिलती है। धन्यवाद। इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।